अभी जा रहे हैं हम भाई पूर्णागिरी मंदिर, पहाड़ों पे है ये, भी उत्तराखंड में है पर एकदम नेपाल बॉर्डर पे है। तो अभी नेपाल बॉर्डर पे जा रहे हैं, इस मैजिक में बैठ के जा रहे हैं, ये जिप्सी होती जो, इसमें बैठ के जा रहे हैं। अब यहाँ से माता के मंदिर के लिए पैदल चढ़ाई शुरू होती है भाई, यहाँ से अभी पैदल यात्रा शुरू करेंगे 10 किलोमीटर की। यहाँ रास्ते में भंडारा मिल गया तो भाई भंडारा खा रहे हैं। ये पूर्णागिरी माता के रास्ते में भंडारे का लगा हुआ, तो भंडारा लेते पहले। कैसे हो भाई? जय माता की। जय माता दी। कैसे हो बाबा? जय माता दी। रास्ते में भाई आपको ऐसी धर्मशालाएं देखने के लिए मिलेंगी भाई जी, और प्रसाद के लिए सामग्री मिल जाएगी। बस आप आइए, आराम कीजिए, नहाने के लिए व्यवस्था है, नहा भी सकते हैं आप, आराम कर सकते हैं, बैठिए, अपना सामान जमा करवा सकते हैं। रास्ते में आपको हर जगह धर्मशालाएं मिल जाएंगी ऐसी। बस शर्त इतने है कि आपको यहाँ पे आने के बाद प्रसाद लेना है, और प्रसाद भी आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं ना, जितना मर्जी हो उतना ले सकते, उतना ले सकते हैं प्रसाद। हाँ बस आराम करो, बैठो, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है पूरा, प्रसाद की सेवा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप तो सेवा कर रहे हो, प्रसाद प्रसाद ले लो, वो भी उसकी मर्जी, जितना वो लेना चाहे, जो भी लेना चाहे। थैंक यू भाई। अभी हम पहुंच चुके हैं भाई, ये हमारा लास्ट पड़ाव, बस बड़ी जल्दी मंदिर के पास होंगे। चलते चलते काफी थक भी चुके हैं भाई, बहुत ज्यादा थकान होगी यहाँ तक आते आते। बस हम मंदिर पे पहुंचने वाले हैं, हम काफी ऊपर आ चुके हैं भाई हम यहाँ। ये देखो सामने कोहरा दिख रहा ना, वो हमसे नीचे है बादल, हम बादलों से भी ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखो कहाँ से चल के आए हैं, वहां से पैदल चल के आए हैं यहाँ, पूरा घूमते हुए इधर से, पूरा इधर से होके और यहाँ से ऊपर तक आए भाई। बादलों से ऊपर है जो आपको ये हल्का हल्का कोहरा सा दिख रहा ना यहाँ पे, ये बादल है और बादलों से ऊपर है हम अभी। ये जो मंदिर है बादलों से ऊपर बना हुआ है। अभी हम पहुंच चुके हैं भाई मंदिर के पास, ये अपना लास्ट पड़ाव है। बस इससे आगे सीधा मंदिर है, यहाँ सिक्योरिटी के लिए बैठे भी हों एक पुलिस वाले। और ये हमारे पास प्रसाद है माता पूर्णागिरी का, तो यहाँ से अब सीधा मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर दर्शन करने के बाद मिलते हैं आपसे। जय माता दी, जय हो, जय माता दी। देख लो भाई कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं भाई। अभी भाई दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, ये देखो कितनी लंबी लाइन है, और ये मेरा नंबर, पीछे भी बंदे हैं अभी लाइन में लगे हैं। और अभी के वो क्या है, नवरात्रि का टाइम नहीं है इसलिए कितनी कम भीड़ है। नवरात्रि का टाइम हो तो करीब 1.5 किलोमीटर लंबी ऐसे ग्रुप में लाइन लगती है, लाइन देख लो, हजारों 2000 की संख्या में श्रद्धालु लगते हैं भाई। जय माता दी, 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 जय माता दी। एक घंटा धक्का मुक्ति करने के बाद भाई फाइनली मंदिर दर्शन का नंबर आ चुका है, ये लास्ट लाइन है, बस ये हमारा लास्ट पड़ाव है जहाँ से मंदिर के दर्शन होंगे। करीब 1 से 2 घंटे की धक्का मुक्ति रही है, कहाँ से लाइन लगी थी भाई देखो, कहाँ वहाँ से लाइन लगी थी, यहाँ से लाइन करते हैं और यहाँ तक। बस हमारे पीछे थोड़े से श्रद्धालु बचे हैं इधर, बाकी सब दर्शन हो रहे हैं भाई, हम भी इधर खड़े हैं आराम से, ये लाइन क्रॉस होने के बाद दर्शन करेंगे आराम से भाई। यहाँ पे सब लोग ये कलावा बांधते हैं, माता की चुनिया यहाँ पे बांध देते हैं, जिसको भी कोई मन्नत मांगनी होती है तो यहाँ पे चुन्नी बांधते हैं, और जब जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद फिर ये चुनिया वापस खोलने के लिए आते हैं। ऐसे यहाँ पे ये मानता है कि जिसको कोई मनोकामना मांगनी है तो यहाँ पे एक बंधावा बांधते हैं, उसको कलावा या बंधावा बोलते हैं, जो चुन्नी होती है माता की उसी को बांध देते हैं, और फिर जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वापस इस चुन्नी को खोलने के लिए आते हैं। मंदिर पहाड़ की पूरी चोटी पे है भाई, सबसे ऊंची चोटी पे मंदिर बना हुआ है, ये देखिए आसपास का व्यू। हम बादलों से ऊपर है, जो आगे कोहरा सा दिख रहा है ना ये नीचे, वो बादल हैं और हम यहाँ बादलों से भी ऊपर हैं अभी।
जय माता दी। ये देखो भाई, यहाँ लिखा है झूठे का मंदिर, और ये रहा भाई झूठे का मंदिर। इस मंदिर के पीछे एक अलग ही कहानी है। कहानी ये है कि यहाँ का एक व्यापारी था, गुजरात का व्यापारी था, जो माता से पुत्र प्राप्ति के लिए उसने वरदान मांगा कि माँ मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो मैं आपको एक सोने की वेदी चढ़ाऊंगा, सोने का मतलब सोने का मंदिर दूंगा आपको, आप मेरे को पुत्र प्राप्ति कराओ, उसकी दया से पुत्र की प्राप्ति होगी भाई। पर व्यापारी के मन में लालच आ गया, सुनार से बात करी उसने, मंदिर पीतल का बनवा दिया, और उसके ऊपर कवर जो था, जो पानी था, वो सोने का चढ़वा के और वो लेके आए, जो उसके मजदूर थे उसको लेके आ रहे थे। यहाँ तक आने के बाद उन मजदूरों ने सोचा थोड़ी देर आराम कर ले, तो उसको यहाँ पे रख दिया उन्होंने इस मंदिर को। बाद में जब उठाने लगे तो वो मंदिर उठ ही नहीं पाया, उन्होंने बहुत कोशिश की तो उठ नहीं पाया। फिर व्यापारी को बताया, व्यापारी ने आके देखा कि नहीं उठ पा रहा है, फिर वो सारी चीज़ समझ गया, जाके उन्हें माता से माफ़ी मांगी, और यहाँ पर भी उसने एक ऐसे मंदिर का निर्माण करवाया है। अब इस मंदिर को सब झूठे के मंदिर से के नाम से ही जानते हैं। माता के दर्शन करने के बाद यहाँ पे फिर झूठे के मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, जाते टाइम ये रास्ते में ही पड़ता है, पहले ये पड़ता है, उसके बाद माता के दर्शन होते हैं मंदिर के। ये है हमारा भाई लास्ट पड़ाव, भैरव बाबा का मंदिर, ये हमारी आखिरी मंजिल है भाई। ऊपर माता रानी के दर्शन हो गए, तो माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। मंदिर भी नीचे है, ऊपर नहीं है, ये पहले पड़ता है, माता का मंदिर बाद में है, लेकिन पहले माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। तो इसीलिए हम पहले माता के दर्शन करके आए, अब भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। जय भैरव बाबा।